दोस्तों, यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि लगातार आपके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आपके बीच से एक अपडेट्स वायरल की जा रही है कि अब की बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। उसके संदर्भ में क्या सच्चाई है, उसमें क्या कुछ कैसे है, पूरी तरह से इस वीडियो में साझा करेंगे। देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन लेने वालों के लिए बुरी खबर। जाहिर सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को आज जो है, या कहा जाए पिछले कई दिनों पहले और लगातार सबमिट किए भी जा रहे हैं, ठीक है। और कॉलेज वाले सबमिट कर ले रहे हैं कि जब भविष्य में, या कहा जाए 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा, तो उसमें हम आपका एडमिशन कर लेंगे। लेकिन आज के जो अपडेट्स वायरल की गई है, उसको लेकर आपके बीच से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि भैया इस अपडेट में कितनी सच्चाई है। नीचे यहां देख पा रहे हैं, पीएनपी सचिव का आदेश, सावधान, नहीं होगा डायरेक्ट एडमिशन। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, क्या वाकई में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? नीचे कम फीस में एडमिशन का मिल रहा ऑफर, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या ऐसा संभव है कि कम फीस में आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा? रिजेक्ट फॉर्म व सेकेंड फेज काउंसलिंग को लेकर तमाम तरह की बातें आपके बीच में इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज के लिए 94 52 33 10 53 आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप एडमिशन के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि भैया हम कहां एडमिशन ले लें, देखिए कुछ जगहों पर जो है कम फीस में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल के लिए अगर आपको इसके बारे में जानना है, एडमिशन लेना है वो भी मेरे माध्यम से, तो बिल्कुल आप कमेंट करके, या मैंने नंबर जो आपके बीच में दिया 94 52 33 10 53, आप उन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, बेधड़क, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। बहरहाल इन चीज़ों पर अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ जो डायरेक्ट एडमिशन की बातें कही जा रही हैं कि इस बार नहीं होगा डायरेक्ट एडमिशन, क्या वाकई में ऐसा संभव है? देखिए, डीएलएड के इतिहास में यह कभी भी संभव नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अभी आपके यहां 2023 सत्र की हम बात करें तो 172,502 सीटें टोटल डीएलएड की वैकेंट पड़ी हुई हैं। सेकंड फेज काउंसलिंग का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट फेज में महज हम बात करते हैं, यह मानकर चला जा रहा है कि 90,000 सीटें भर रही हैं, तो सेकंड फेज में भी 90,000 सीटें भर पाना बिल्कुल मुश्किल है। तो ऐसे में जो चांस कहे जा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के, बिल्कुल 101% ये सत्य है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। भले ही आपके बीच से ये चीजें वायरल की जा रही हैं, यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में यही अपडेट्स हैं, आप इसके प्रूफ के लिए कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि डीएलएड 2023 में प्रवेश में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है अभी डीएलएड कॉलेजों में छात्रों की प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी लखनऊ से मिली सूचना के अनुसार बताया गया कि अब की बार प्रवेश की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। छात्रों का प्रवेश काउंसलिंग के द्वारा ही किया जाएगा, सीधे प्रवेश जो पिछले वर्षों से होते रहे हैं वो प्रक्रिया इस बार लागू नहीं रहेगी। प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज डाइट के द्वारा ऑडिट भी कराया जाएगा और शासन को लिखवाकर भी भेज दिया गया है कि समाज कल्याण विभाग के अनुसार छात्रवृत्ति भी काउंसलिंग से आए छात्रों को मिलेगी और डायरेक्ट प्रवेश वाले छात्रों को नहीं मिलेगी। कुछ कॉलेज संचालक इस प्रक्रिया का स्वागत भी कर रहे हैं और इस प्रक्रिया के लागू होने से प्रवेश में निष्पक्षता भी आएगी। ये चीजें आपने देखा, यहाँ पर अगर ये जो अपडेट्स आपके बीच में दी जा रही है, अगर इस पर अमल किया जाए, हालांकि ये किसी के द्वारा एडिट की गई है, ये 101% सत्य है। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के द्वारा इस जो है अपडेट को पूरी तरह से खारिज किया जाता है, इसमें 1% सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप मत पढ़िए, ठीक है।
आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन करवाइए, चूंकि अभी आपके पास मौका है। आप 2,40,000 के ऊपर अगर आपकी रैंक है तो ऐसा ना करें कि हम किसी कॉलेज वालों के संपर्क में आएं और उन्हें ले जाकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है उनके आगे रख दें, भैया अब मेरा एडमिशन आपके हाथों में है और आप मेरा एडमिशन कर लीजिए। ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लोग भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए परेशान है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो डायरेक्ट एडमिशन न लेकर के काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन करें। हालांकि वो अपडेट्स पूरी तरह से फ्रॉड है, उसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है। यहां जो कहा जा रहा है पीएनपी सचिव का आदेश, एससीईआरटी का, ये सब पूरी तरह से गलत है, आप कतई इनकी बातों में नहीं आएंगे। हां, ये चीजें जो मैंने कम फीस में एडमिशन की बातें कर रहे हैं, अगर आपको इस तरह का एडमिशन चाहिए, कम फीस के लिए आप परेशान हैं, अधिकतर बच्चे कॉल करते हैं कि भैया कम फीस में एडमिशन कहां होगा। हालांकि इस चीज के बारे में मैं लगातार आपसे कह रहा था कि इसके बारे में मुझे नहीं पता कहां होगा, हालांकि लगातार कॉल्स भी आते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, जितना हो सकेगा आपका जो हेल्प है या मदद है वो मेरे स्तर से किया जाएगा, जितने कम से कम फीस आपका जो है, जो भी फीसें होंगी सुचारू रूप से जो है कॉलेज वालों से बात करके वो एडजस्ट कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म, इसके संदर्भ में फिलहाल के लिए किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, आप परेशान ना रहें, ठीक है। सेकंड फेज काउंसलिंग कब से होगी, मैंने आपसे बताया है 26 अक्टूबर का आप इंतजार करें, 100% 26 अक्टूबर से आपकी जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है वो कराई जाएगी, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में अभी ना पड़े, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।